सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का जो कंपैरिजन टेस्ट है वो किस में है, एनटॉक 125 वर्सेस ग्लैमर। ग्लैमर में पार एंड पिकअप दोनों बहुत ही अच्छा था। इससे पहले वाले वीडियो में आपने देखा होगा मैंने स्प्लेंडर के साथ कंपेयर किया था, जहां पे स्प्लेंडर को इसने बहुत आराम से बीट कर दिया था और काफ़ी ज़्यादा गैप मेंटेन कर लिया था। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा, ऊपर आई कार्ड में उसका लिंक है, आप लोग देख सकते हो, बहुत मज़ा आएगी वीडियो में। और अभी हम कंपेयर करने वाले हैं इन दोनों बाइकों को, और इसका भी टॉप एंड काफ़ी अच्छा है, ये स्प्लेंडर प्लस को हरा देती है। तो अभी हमें देखना है कि क्या ग्लैमर एक स्कूटी को हराने में कामयाब होगी या हार जाएगी। सो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। ये रहा इसका लॉन्च, और लॉन्च में फटाफट से आगे निकल गई है। ये काफ़ी अच्छा पिकअप था, तो स्टार्टिंग में निकल गई स्कूटी थी, इतना पिकअप बना नहीं पाई, बट टॉप एंड देखते हैं क्या होता है। और गैप तो उसने काफ़ी मेंटेन कर लिया है, 80 क्रॉस हो चुका है अभी, और वो स्कूटी मुझे लगता है कि काफ़ी पीछे है। नहीं यार, काफ़ी पीछे नहीं, आप लोग देख सकते हैं ज़्यादा जो गैप है मेंटेन नहीं है। काफ़ी ज़्यादा गैप मेंटेन हो गया है, अभी तो मुश्किल लग रहा है पीछे करना। अगर ये टॉप स्पीड पहुंच भी जाती है तो उसका गैप इतना बन चुका है। अभी स्कूटी काफ़ी पीछे रह गई है, मुझे रोक देना चाहिए यहाँ पे शायद। तो यहाँ पे ये कामयाब नहीं हो पाई, बिल्कुल भी कामयाब नहीं हो पाई कि ये हरा पाए ग्लैमर को, और काफ़ी ज़्यादा गैप मेंटेन था तो हार गई। 125 सीसी को ग्लैमर ने हरा दिया, और आज एयर प्रेशर जो है वो इधर से थोड़ा ज़्यादा है, तो ये 100 नहीं पहुँच पाई अभी फ़िलहाल, बट ये पहुंच जा रही है, तो विनर यहाँ पे यही है। चलो राइडर स्विच करके चेक कर लेते हैं। लॉन्च में फिर से वो वाली बाइक आगे निकल गई है, और मैं फुल एक्सेलरेट किया हूँ इस बार। पिछली बार मेरे से गलती हो गया था कि मैंने इसको फुल एक्सेलरेट नहीं किया था, जब मैंने इसको प्लेटिना के साथ में कंपेयर किया था। देख लो आप, बहुत आराम से वो पीछे छूटता जा रहा है, और काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रही है ग्लैमर, दिल खुश कर देने वाला परफॉर्मेंस है। अभी देखिए आप लोग, जो पिछली बार मैं वो बाइक चला रहा था, जितना गैप तब मेंटेन था उतना ही गैप अभी भी मेंटेन है, और मैं देखिए एक्सेलरेट यहाँ पे फुल करके रखा हूँ, और अभी ये 92-93 बढ़ती जा रही है, बट उस बाइक को पकड़ पाना मुश्किल है इसके लिए। देख लो आप, 100 की स्पीड बहुत आसानी से इसने टच कर ली है और क्रॉस हो गई है। तो
यहाँ पे क्लियर कट जो विनर है वो ग्लैमर है। रोक लेते हैं अब। ग्लैमर आपको डिस्क ब्रेक भी ऑफ़र करती है और एंटॉर्क भी डिस्क ब्रेक ऑफ़र करती है। दोनों बहुत बेहतरीन बाइकें हैं, स्कूटी है, बट स्कूटी के सेगमेंट में वो किंग है। यहाँ पे ग्लैमर चलाने के बाद मुझे फील हो रहा है कि हीरो ने काफ़ी बेहतरीन बाइक बनाई है। हीरो की और भी गाड़ियाँ अच्छी हैं बट ग्लैमर इज़ वन ऑफ देम। एक और बात कि आप लोगों में से बहुत लोग कमेंट करने वाले हैं कि मेरी ग्लैमर मैंने 150 भगाई है, मेरी ग्लैमर मैंने 170 भगाई है। तो भाई आपके में इंजन जो है वो आपने अलग से लगवाया होगा। यहाँ पे विंड ब्लास्ट और एयर प्रेशर हर सारी कंडीशन को देखते हुए दोनों बाइक के लिए सिमिलर कंडीशन है, इस कंडीशन में ये रेस की गई है। तो ऐसा नहीं होता है कि आप जितनी बार बाइक भगाओ आप टॉप स्पीड सेम अचीव कर पाओ। एयर प्रेशर बहुत ही ज़्यादा उस पर इफ़ेक्ट करता है। सो इस एयर प्रेशर में यहाँ पे विनर ग्लैमर थी और जितना गैप था उसके हिसाब से सारी सिचुएशन में ग्लैमर ही विनर होने वाली थी। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो पसंद आया तो यार लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू, बाय बाय।